नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromanigru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड एग्रो वॉच। एग्रो वॉच कृषि जिंसों की तेजी और मंदी, एग्रो कमोडिटीज के अंदर चाहे वो चर सरसों हो, चना हो, सोयाबीन हो, या फिर हल्दी या फिर जीरा, इन पर सटीक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विश्लेषण आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कृषि जीन्स चने के ऊपर। अजय एस्ट्रो मनीगुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको कृषि जींसों में बेस मेटल, सोने चांदी एवं शेयर बाजार की सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, एपिसोड्स देखते रहिए, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चने का 73 लाख टन का उत्पादन चालू वर्ष में होने की संभावना बन रही है और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो सूडान, तंजानिया, रशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में चने के भाव भारत से अधिक माने बोले जा रहे हैं। और यह भी गौरतलब है, चने पर 60% की इम्पोर्ट ड्यूटी होने के कारण चने के अंतर्राष्ट्रीय भाव बहुत अधिक बन जाते हैं। चना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 675 के भाव चल रहे हैं और 60% यदि इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दें तो ये लगभग $1155 प्रति टन का भाव बन जाता है, जो कि भारत से कई अधिक है। अतः इम्पोर्ट के ऊपर यदि हम नज़र रखेंगे तो चने के अंदर आगामी आने वाले कुछ समय के अंदर बड़ी तेज़ी बन सकती है। और ये भी गौरतलब है कि चना इस समय MSP से ऊपर बिक रहा है, अतः नाफेड ने भी चने की बहुत अधिक खरीदारी नहीं कर पाई है। इस समय लगभग 90% मंडियों में कारोबार बंद है COVID-19 की वजह से। रेस्टोरेंट और शादी ब्याह इसके अंदर भी सीमित मात्रा होने की वजह से मंडियों में कारोबार कम हो रहा है। अतः छोटी और सीमित अवधि के अंदर चने के भावों में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती, लेकिन मध्यम अवधि के अंदर चने के भावों में एक बड़ी तेज़ी की बनने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है चना भी कमोडिटी सुपर साइकिल का एक हिस्सा बन सकता है और ये आने वाले 2 से 3 महीने में चने के अंदर तेज़ी बन सकती है। जैसे जैसे कोरोना का वायरस का प्रकोप कम होगा, मंडियां और बाकी रेस्टोरेंट शादी ब्याह के अंदर व्यवस्था बैठेगी तो चने में सबसे पहले तेज़ी आने की पूरी पूरी संभावना बन सकती है। छोटी अवधि में चने में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, किंतु मध्यम अवधि में चने के अंदर मंदी की संभावना कम नज़र आती है। तो दोस्तों, चने के कारोबारी या किसान बंधु विशेष ख्याल रखें कि चने के अंदर हमारे आकलन के हिसाब से और गृह स्थिति के अनुसार कोई बड़ी मंदी की संभावनाएं नहीं बन सकती है, लेकिन NCDX के अंदर 1 या 2 दिन के कारोबार करने वाले कारोबारी विशेष ख्याल रख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी अवधि में 1 से 2 दिन के अंदर चने में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन जो हाजिर और स्टॉक करने वाले व्यापारी या कारोबारी हैं या किसान बंधु हैं वो विशेष ख्याल रखें। और ये भी एक गौरतलब है कि चने में स्टॉक लिमिट नहीं है। जब तक कोई सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाए, चने में 60% की ड्यूटी से को कम करें या काबुली चना में 40% की ड्यूटी से कम करें, तब तक चने के अंदर कोई बड़ी कमजोरी की संभावनाएँ शायद नहीं बनेगी। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त और भी कोई कृषि जिंसों में आपको विश्लेषण आपको चाहिए तो निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर आप कृषि जिंसों का नाम लिखिए, उसके ऊपर हम आपके लिए विश्लेषण और लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।